हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने के लिए। और ये मेरा पर्पल हाइबिस्कस है और इसी हाइबिस्कस पे मैंने एयर लेयरिंग की थी जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप जाके वो वीडियो वहाँ से देख लें। और आज मैं उसी एयर लेयरिंग के वीडियो का अपडेट वीडियो देने वाला हूँ कि जिस जिनके दिमाग में ये शंका रही हो कि वो वीडियो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, वो मेथड सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं ये आज मैं इसका अपडेट वीडियो देने वाला हूँ। अगर आपने मेरा इस हाइबिस्कस का एयर लेयरिंग वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैंने उसके नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने देखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं। मैंने उस वीडियो में किया क्या था कि मैंने ऊपरी सरफेस यानी कि फ्लोएम को स्क्रैच करके निकाल दिया था। स्क्रैच करने के बाद मैंने बॉटल के दो टुकड़े लिए हुए थे और नीचे वाले बॉटल के टुकड़े में मैंने मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करके उस ब्रांच को जो कटा वाले वाला एरिया था मैंने उससे ढक दिया था। और ऊपर वाले भाग से मैंने इसको ढक दिया था, उस बॉटल दूसरे बॉटल को ढक दिया था, जिससे मेरा जो पानी डालूँ मैं वो कम से कम वाटर लॉस हो, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम, तो अभी भी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गर्मियों में थोड़ा सा मॉइस्चर वाली दिक्कत आती है और गर्मी में थोड़ा सा कटिंग लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लग जाती है लेकिन थोड़ा सा आपको केयर ज़्यादा करना होता है। लेकिन एयर लेयरिंग में बिल्कुल भी आपको कोई भी ज़्यादा केयर नहीं करना, सिर्फ आपको मॉइस्चर मेंटेन रखना है। टेंशन नहीं लेना, 100% आपका एयर लेयरिंग, अगर आप मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं तो आपका एयर लेयरिंग 100% सक्सेस हो जाता है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मॉइस्चर मेंटेन रखिए बस। आप पहले मैं इसके नीचे वाले भाग को जो है बॉटल के नीचे से कट करके अलग कर लेता हूँ मदर प्लांट से। ये हमने बॉटल को अलग कर लिया। अब इस ऊपर वाले बॉटल पहले मैं निकाल देता हूँ। मैं हमने ऊपर वाले बॉटल को निकाल दिया है, अब नीचे वाले बॉटल को भी खोल लेते हैं। टेप जो मैंने लगाई हुई थी, इलेक्ट्रिक टेप मैंने लगाई हुई थी, उसको भी मैं खोल के निकाल लेता हूँ। मैंने अपने कटिंग को जो है एयर मतलब कि बॉटल से बाहर निकाल लिया आपको दिखाने के लिए कि आखिर एयर लेयरिंग वर्क कैसे करता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लांट है तो मुझे इस प्लांट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके ऊपर रिस्क ले सकता हूँ। तो इसमें एक प्लांट भी जम गया था छोटा सा और ये मुझे इंडिकेटर का काम करता था कि जब भी ये प्लांट मुझे लगे हल्का सा मुरझा रहा है, क्योंकि इस प्लांट की अपेक्षा ये प्लांट ज़्यादा हार्ड था, तो मुझे जब भी ये प्लांट हल्का सा मुरझाया हुआ लगे तो फट से मैं पानी डाल देता था इसमें, तो ये मेरे लिए एज ए इंडिकेटर काम करता था। दिखाता हूँ आपको मैं। मैंने आपको बताया था एयर लेयरिंग के पहले वीडियो दोनों वीडियो में मैंने जो एक एयर लेयरिंग पे एक्सप्लेन वीडियो बनाया हुआ था उसमें बताया हुआ था मैं कि जो रूट्स निकलती हैं वो ऊपर की भाग की तरफ निकलती है, क्योंकि होता क्या है जो खाने की सप्लाई आती है वो नीचे यहाँ पे रुक इकट्ठा हो जाती है, तो उस खाने का यूज करने के लिए यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डेवलप हुई हैं रूट्स। इसे थोड़ा धुल लेता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ इसे फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, आपको दिखाता हूँ अगर मैं तो। ये देखिए आप, ये देखिए ये भाग मैंने स्क्रैच करके निकाल दिया था और यहाँ पे रूट्स इसके ऊपर जहाँ से स्क्रैच करना मैंने बंद किया था, मतलब यहाँ पे यहीं से सारी रूट्स डेवलप हुई हैं। इसके नीचे के भाग का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ रोल होता है यहाँ का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाली सतह जो होती है वो पत्तियों से बने खाने को नीचे लेके आती है और यहाँ पर वो खाना इकट्ठे होने लगता है, क्योंकि यहाँ से बीच से सप्लाई कट जाती है। तब अगर यहाँ से सप्लाई कट जाएगी तो यहाँ पे खाने इकट्ठा होने लगता है। अब इस खाने को किया क्या जाए, क्योंकि अंदर जो अंदर वाला भाग होता है ये ले जाता है नीचे से पानी ऊपर, तो नीचे से पानी तो ऊपर जा रहा है, ऊपर से खाना भी बन के ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब नीचे से पानी जा रहा है ऊपर से खाना बन के आ रहा है। अब यहाँ पर खाना इकट्ठा हो रहा है, इस खाने को यूज करने के लिए अगर यहाँ पर प्रॉपर इसको एटमोसफियर दे दिया जाए, इसे नमी दे दी जाए, सॉइल दे दी जाए, तो यहाँ पर रूट्स डेवलप होने लगती है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई इसमें लकी टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिर्फ आपको ऊपर वाले परत को हटाना होता है, हटा के निकाल देना होता है। इसे उसके ऊपर कोई भी ऐसी किसी भी तरीके से आप सॉइल को बांध करके या फिर बॉक्स में कैसे भी करके यहाँ पे सॉइल फिक्स कर दें, चाहिए आप उसको पॉलीबैग से रैप कर दें और उसको प्रॉपर मॉइस्चर देते रहें। मॉइस्चर अगर मेंटेन रहे तो आपकी जो एयर लेयरिंग का वीडियो है ये बिल्कुल भी सक्सेस जाएगा। मैं इसको कट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से कट करना होगा इसे। यहाँ से इसे कट करना है, ये देखिए। फिलहाल मैं मेरे पास ऑलरेडी प्लांट है, लगभग 5 फीट का प्लांट है मेरा, 5 फीट से ज़्यादा है, लगभग 6 फीट का मेरा प्लांट है, तो मुझे अब नए प्लांट की ज़रूरत नहीं। मैं देखता हूँ किसी को इसे गिफ्ट कर दूँगा, इसे मैं किसी पॉली बैग में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। और भी मैं इसकी रूट बॉल मैंने पूरी खोल दी है और मुझे इसकी कुछ ऊपर की पत्तियाँ भी कम करनी पड़ी, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें अगर आपने एयर लेयरिंग कर रखी है तो आप कोशिश ये करें कि अभी उसको शिफ्ट ना करें, आप उसको थोड़ा सा वेट कर लें। मानसून आने वाला है, साउथ इंडिया में आ चुका होगा लगभग, मतलब कि जल्दी आने वाला होगा, 7-8 दिन में आ जाएगा। नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ सकता है, लगभग 10 से 15 दिन, आप थोड़ा सा वेट कर लें।
जैसे ही मानसून आता है, हवा में मॉइस्चर बढ़ आता है, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, तो आप अपने भी ये लेयरिंग को, कटिंग को जहाँ भी शिफ्ट करना है शिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।